हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज है 6 सितंबर और आज का व्लॉग मैं रात में स्टार्ट कर रही हूँ। 9 बज रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं करके व्लॉग। तो फिर अभी सोची हूँ कि आप लोगों को एक रेसिपी देती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली थी करेला। तो चलो, मैं बनाने वाली थी, मैं कैसा बनाती हूँ आप लोगों को तो सबको पता है, अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोग भी जानते हैं, लेकिन मैं कैसा बनाती हूँ मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ, है ना, एकदम सिंपल और इजी स्टाइल में। घर का सब काम करके लिए, कपड़े वगैरह धो के लिए, सोनू को बोली तू, मैं उसके हाथ में एक काम दे दी हूँ कपड़े सुखा करके। आज सुबह से मैं वही काम कर रही थी बस, तो व्लॉग बना नहीं पाई मैं। तो चलो, मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि करेला कैसे बनाते हैं। तो मैंने करेला ऐसे कट करके ली और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, और यहाँ पे मैंने ली टमाटर, और ये ली हूँ मैंने मीडियम साइज़ की 3 प्याज जिसे मैंने बारीक चॉप करके ली। तो ज़्यादा प्याज डाल के हमारे घर में पसंद आता करेला, और बच्चे भी खाते ना, इसके लिए मैं ज़्यादा प्याज कट करी और 3 प्याज है उसको एकदम बारीक बारीक चॉप करके ली। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करती हूँ मैं, बिस्मिल्लाह बोल के। तो मैंने ना ये आधा किलो करेला है इसको ऐसे ली, और इसमें ना 15-20 मिनट हो गए, मैंने इसमें ना 1 चम्मच नमक डाल के इसको रखी हूँ। तो देखो इस तरीके से ना इसमें पानी छूटा, ये देखो, ये इतना पानी इसको छूटा। और तो मैं क्या करूँगी, ये पानी सब निचोड़ के निकालूंगी इसका, कपड़े की मदद से भी निकाल सकते हैं, हाथों की मदद से भी। तो मैं ना कपड़े का इस्तेमाल करूँगी और इसका सारा पानी निकाल ले रही हूँ मैं। ये सब कॉटन का कपड़ा ली मैंने, इसके अंदर मैं निचोड़ने वाली हूँ ये। इसको ना पहले 1-2 पानी से वॉश करके लेती हूँ ताकि सब कड़वापन निकल जाए इसका। इस तरीके से पूरा पानी इसका निचोड़ के निकालना। देखो इसका सारा पानी मैंने निचोड़ के निकाली करेले का। इधर पे एक पैन चढ़ाई और अब इसको मैं गैस ऑन करती हूँ। तो मैंने ना ऑयल डाली, ऑयल गरम हो गया है, अभी मैंने करेले फ्राई करके ले रही हूँ। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये प्याज, इसी में डाल देने का, तो दोनों भी साथ में अच्छे से पक जाएंगे। और एकदम पतली पतली कटी हुई है ना। अभी आप लोग क्या बोलेंगे कि पहले हम लोग प्याज फ्राई करते फिर ये, लेकिन मैं ऐसा कर रही हूँ, मुझे इस तरीके से ही अच्छी लगती भुर्जी, मतलब भाजी करेले।
तो देखो मैंने ना करेले को अच्छे से फ्राई करके फिर मैंने इसी में ना ये जो प्याज है वो डाल दी, और अब इसे अच्छे से ना बार बार चम्मच चला के हमें जो प्याज है उसे अच्छे से भून लेना है। तो देखो प्याज भी एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गई, पिंक हो गई, फ्राई हो गई, और करेला भी अच्छे से पक गया। अभी मैं ना इसमें डाल रही हूँ टमाटर, जो मैंने दो अच्छे से बारीक चॉप करी, अब इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटर में। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, बस तीन चीज़ें डाल रही हूँ। और लाल मिर्च पाउडर मैंने कम यूज़ करी, क्यों तो बच्चे लोग के हिसाब से, बच्चे भी कभी सब्जी खाते नहीं करे, लेकिन ना और इस टाइप में मैं बनाती ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती, क्यों तो ये कम कड़वी लगती ना इसके लिए, तो इसके साथ साथ बच्चे सब्जी भी खा लेते, करेला खा लेते हेल्दी एकदम। और मैं टमाटर मिर्ची थोड़ी सी कम यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोग अपने हिसाब से मिर्ची यूज़ कर सकते लाल मिर्च पाउडर। अभी मैंने तो देखो सब चीज़ें तो मैंने इसमें ऐड करी, अभी मैंने इसमें नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करी हूँ, तो अभी नमक ऐड करती हूँ। तो नमक एकदम थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ, ये देखो थोड़ा सा नमक हिसाब से डालो, करेले की सब्जी में ना बहुत ज़्यादा जल्दी नमक ज़्यादा हो जाता इसलिए। अभी इसको मैं 5 मिनट ढक के पका रही हूँ, 2 मिनट तक ढक रही हूँ उसको स्लो फ्लेम पे। तो देखो टमाटर एकदम अच्छे से गल गया, मैंने 10 मिनट ढक के रखी थी इसको। देखो मैंने सारी चीज़ें एकदम, प्याज तो एकदम कच्ची यूज़ करी थी लेकिन समझ में भी नहीं आ रही ना, और इसको तो बिल्कुल कड़वी नहीं लगेंगे आपको इस तरीके से बनाएंगे तो, थोड़ा बहुत तो कड़वा लगता ही है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। अभी सबसे ज़रूरी चीज़ ये मैगी मसाले का 1 पैकेट इसके अंदर ऐड करना लास्ट में एकदम, और फिर इसका टेस्ट देखो बहुत मस्त आता है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा लास्ट में हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, और उसे एक बार अच्छे से मिक्स करके हमारी जो सब्जी है वो हो गई है एकदम रेडी। तो अभी मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। एकदम मजेदार करेले की सब्जी बन के तैयार है। एक नंबर बनी है, थोड़ी भी कड़वी नहीं लग रही है। देखो गाइज मैं इस तरीके से बनाती हूँ करेले की सब्जी, तो आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए, और इसे बच्चे ना बड़े शौक से खाते हैं, ज्यादातर कड़वा रहता ना करेला इसके लिए बच्चे नहीं खाते, और अगर आप ऐसे बनाओगे तो बच्चे भी करेला जरूर जरूर खाएंगे, तो कड़वा थोड़ा भी नहीं लगता है और पता भी नहीं चलेगा कि ये करेले की सब्जी है करके, और एकदम मजेदार बनती है।
तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको एक अच्छे से ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।